गाइस आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और गाइस अगर आपके पास एक रेडमी का फ़ोन है, रेडमी नोट 5, 6, 7, 8, 9, 10 कोई सा भी रेडमी का फ़ोन है और आपके फ़ोन में इस तरीके से प्रॉब्लम आ रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ रहता है गूगल प्ले सर्विसेज कीप स्टॉपिंग। तो इस तरीके से अगर आपके फ़ोन में प्रॉब्लम आता है तो गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक वॉच करिए, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सो गाइस चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ सेटिंग्स बताऊंगा जिसको आपको अपने फ़ोन में अप्लाई करना है, फिर आपको ये प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको जाना है, आपको जब भी प्रॉब्लम आता है तो आपको सबसे पहले अपने फ़ोन के सेटिंग्स को ओपन करना है। सेटिंग्स को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है एप्लीकेशन का, तो आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज ऐप्स करके एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको फटाफट से उस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक सर्च बार का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है दोस्तों इस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको सर्च करके दिखा देता हूँ कि आपको क्या सर्च करना है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको लिखना है प्ले स्टोर। तो जैसे आप यहाँ पे प्ले स्टोर लिखेंगे तो ये जो है गूगल प्ले स्टोर आ जाएगा, तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो आपको यहाँ पे स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद दोस्तों आपको इसका डाटा क्लियर कर देना है, यानी कि क्लियर कैचे कर देना है अपने फ़ोन में। ओके, तो जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर का डाटा क्लियर करते हैं उसके बाद दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम शो नहीं करता है। यहाँ पे आपको ये जो गूगल प्ले सर्विसेज की स्टॉपिंग का प्रॉब्लम आ रहा है वो आपके फ़ोन में नहीं आएगा। तो इसी तरीके से आप सभी लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए।